नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में एचटेट परीक्षा सफल संचालन के लिए डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। फतेहाबाद के 14 परीक्षा केंद्रों में 10,888 परीक्षार्थी देंगे एचटेट की परीक्षा। महिला परीक्षार्थियों के लिए बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनने की होगी छूट, हालांकि इससे पहले पाबंदी थी। अभ्यर्थियों के लिए अंगूठी, चैन, बालियां पहनकर जाना की होगी पाबंदी। परीक्षा वाले दिन रोडवेज के लिए और विभाग की ओर से चलाए जाएंगे स्पेशल बसें। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 16 और 17 नवंबर को आयोजित की जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट की परीक्षा सफल संचालन के लिए उपायुक्त धीरेन्द्र खटकरा ने बुधवार को प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा केंद्र के अधिकारियों के साथ में बैठक ली। इसके साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। जिला में कुल 10,888 परीक्षार्थी दोनों दिन परीक्षा देंगे। उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास पहचान पत्र होंगे, जो उन्हें अपने गले में पहनना होगा। केंद्र अधीक्षकों को उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षा केंद्र को बनाया गया है, उनमें पहले से मौजूद फोटोस्टेट मशीनें या फैक्स आदि परीक्षा के दिन किसी भी एक कमरे में रखकर उन्हें सील कर दिया जाए। इसके अलावा यह भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि परीक्षा के दिन कहीं पर से भी कोई फोटोस्टेट की दुकान खुली न हो। इस प्रकार के प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए धारा 146 लागू की गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। वही परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ किसी भी सदस्य के पास कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन पूर्णतया प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और शरारत करने वाले असामाजिक तत्वों पर भी सख्ती से निपटेगा विभाग। सभी अभ्यर्थियों के लिए अंगूठी, चैन, बालियां पहन करके पाबंदी रहेगी। हालांकि इस बार महिला परीक्षार्थियों के लिए बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। इसके अलावा सिख परीक्षार्थियों के लिए धार्मिक आस्था के चिन्ह को लेकर के जाने की अनुमति होगी। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर 2 घंटा 10 मिनट पहले ही प्रवेश कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में 1 घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थी समय से पहले पहुँचे। अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुँचना भी सुनिश्चित करें। वहीं एचटेट लेवल 3 की परीक्षा 16 नवंबर शनिवार को सायंकाल स्तर यानी 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक की जाएगी, जबकि 17 नवंबर रविवार को लेवल 2 की परीक्षा के स्तर यानी 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगी। वहीं लेवल 1 की परीक्षा इसी दिन सायंकाल स्तर पर यानी 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी। आप देख रहे हैं पलपल के खास रिपोर्ट। एस्टेट को हमारा 16 से पता है, एस्टेट है उसकी तैयारियाँ इस प्रकार है कि हमने 14 सेंटर हैं और 9 लोकेशन पे, उन सभी सेंटर्स के लिए हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स नियुक्त कर दी गई। साथ ही साथ हमें 144 लागू कर दी गई। उसके साथ साथ जो भी फोटोस्टेट मशीन या कोचिंग सेंटर उस एरिया के आसपास रहेंगे, शहर में रहेंगे, उनको उनको इस्तेमाल कर दिया जाएगा। 100 मीटर के दायरे में कई फोटोस्टेट बनाए रहेंगे, उनको क्लोज डाउन करने के लिए कहा एग्जाम पीरियड के अंदर। साथ के साथ हमने जितने भी सेंटर सुप्रिटेंडेंट हैं उनको हमने मीटिंग करी है, ताकि उनकी जो तैयारियाँ हैं, चाहे उसमें सी सी टी वी कैमरा वेंडर्स हो रहे, उन सब के वेंडर्स की भी तैयारी हैं, वो भी हमें रिव्यू कर लें। और एक जनरल डायरेक्शन सभी को किए कि जो भी डायरेक्शंस हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से हैं उनको आप सुनिश्चित करें और उसमें कोई कोताही नहीं। इसमें ये है कि जैसे कि कई बार ये होता है कि कोई विवाहिता या नवविवाहिता मंगलसूत्र या एक सुहाग की निशानी रहते, कई बार वो उसकी अप्रिय परिस्थिति में रहता है,
तो इसलिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये है कि इस बार मंगल सूत्र लागू कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा मैं आप तरफ से भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि एक परीक्षा है, इसमें परीक्षार्थी अपना जो परीक्षा का जो शुचिता है उसको भंग ना करें, जो भी दिशा निर्देश विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से गए उसको पालना भी करें और अपनी तरफ से भी ये ध्यान रखें कि कोई इसमें गड़बड़ी ना हो। 16-17 नवंबर को नहीं सर, 16-17 नवंबर तो इस पर सर 50 किलोमीटर के दूर के दायरे में देखिए सर, इसमें सरकार के दिशा निर्देश भी हैं कि जो जितने भी विद्यार्थी जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको उनके गृह जिलों में ही अलॉट किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए 50 किलोमीटर का एक उन्होंने वो बनाया है कि 50 किलोमीटर के अंदर जो भी आता है परीक्षार्थी उसको अपना गृह जिला ही दिया जाएगा और क्या नाम बोलते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। इसके साथ साथ हमने उनको ध्यान रखते हुए अतिरिक्त बसों के लिए भी डायरेक्शन दिए जी एम रोडवेज को कि उस दिन अतिरिक्त बसें चलाएँ और इसमें जितने भी स्टाफ छुट्टी पे गया उनकी छुट्टियाँ भी हमने कहा कि उनको टाइम पर लगे ज़्यादा से ज़्यादा बसें। इस अभी थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है सर इस मामले में। बिल्कुल जी, 3 बजे के माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें वीसी है और इसके अतिरिक्त कई और मुद्दों पर वीसी है क्योंकि चाहे स्ट्रगल बढ़ने हो, चाहे आपका नशे से संबंधित हो, चाहे और भी मुद्दों पर है जो इसकी वीसी हुई है, तो इसमें मुख्य रूप से तो एस्टेट का है और बाकी अन्य मुद्दे भी।